अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो इस वीक भी बहुत सारे नए अपडेट्स हैं, जहां आज हम जानेंगे कि कौन सी नई नई टेक्नोलॉजीज़ आई हैं और कौन सी नई नई डिस्कवरीज हुई हैं उन सब के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के उस पहले यूट्यूबर की जिसे पहली बार डायमंड प्ले बटन मिला है। और चलिए जानते हैं कि एक यूट्यूबर होने के नाते यह अपनी टोटल अर्निंग कितनी करता है। तो सलमान नोमान एक पॉपुलर यूट्यूबर है जो जाना जाता है अपने चैनल कराचीज के नाम से। उसने अपने एंगेजिंग वीडियोज के जरिए बहुत सी अटेंशन हासिल की है और उसे बहुत सारी फाइनेंशियल सक्सेस भी मिली है। बहुत सारे कॉन्टेंट क्रिएटर्स अपनी यूट्यूब अर्निंग से रिलेटेड बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन सलमान नोमान उन लोगों में से है जिसने ना तो कोई कोर्स भेजा है और सिर्फ अपने चैनल के ये इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है। और सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि सलमान नोमान के चैनल पर अभी तक 600 वीडियोस भी नहीं है, उसके बावजूद भी उसके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं। अब आते हैं सलमान नोमान की अर्निंग पर। तो डेली सलमान नोमान के 10 मिलियन व्यूअर्स आते हैं। उसके वीडियोस बहुत सारी ऑडियंस को अट्रैक्ट करते हैं। ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि सलमान नोमान की अर्निंग है $1 मिलियन, जो पाकिस्तानी करेंसी में बनते हैं 28 करोड़ 65 लाख, और इस वक्त उसकी नेट वर्थ है $10.1 मिलियन। नेक्स्ट आते हैं गूगल के AI चैट बोट यानी के जेमिनी पर। तो सबसे पहले मुझे बताएं कि क्या आपके पास कोई सीक्रेट है जो आप नहीं चाहते कि किसी और को बताएं? वेल, ऐसा कोई है तो गूगल के जेमिनी के साथ बिल्कुल भी शेयर मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो गूगल का AI असिस्टेंट है वो बहुत ही अरसे तक आपकी डेटा अपने पास रखता है। जेमिनी, जिसे पहले कहा जाता था बार्ड, उसकी बहुत सारी एबिलिटीज के लिए उसे बहुत ही सराहा गया है, लेकिन वो लोग जो इसे यूज करते हैं उनके लिए प्राइवेसी पॉलिसी जानना भी जरूरी है। गूगल उन सभी यूजर्स को वार्न करता है जो भी अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जेमिनी के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि ये जो AI चैटबॉट है वो आने वाले 3 सालों तक आपकी कही गई जो भी इन्फॉर्मेशन है वो अपने पास रखता है। भले ही आप उस ऐप से अपनी डेटा डिलीट कर देंगे, लेकिन फिर भी गूगल अपने पास वो डेटा रखता है। और टेस्ला प्लानिंग कर रहा है दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल सुपर चार्जर स्टेशन बनाने की। ये स्टेशन बनने वाला है कैलिफोर्निया के केरन काउंटी में और इसमें 164 चार्जिंग स्टॉल्स होंगे। नेक्स्ट न्यूज, तो चाइना की मीडिया ने ये रिपोर्ट किया है कि चाइना प्लानिंग कर रहा है कि आने वाले 5 सालों में वो एक ल्यूनर बेस बनाएगा। 100 से भी ज्यादा चाइनीज साइंटिस्ट्स, रिसर्चर्स और एक्सपर्ट्स वुहान में मिले, जहां उन्होंने ये डिस्कस किया कि ये कैसे किया जाएगा। और उनका ये कहना था कि वो चांद की मिट्टी से ही उसका बेस बनाएंगे। वो एक ऐसा रोबोट बना रहे हैं जिसे कहा जाएगा चाइनीज सुपर मेसन्स, जो चांद की मिट्टी से ईंटें बनाएगा। और उनका ये मानना था कि लॉन्ग टर्म एक्सप्लोरेशन के लिए चांद पर रिहायश का बनाना इम्पोर्टेंट है। आपने बहुत सारे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम जिस गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में बात करने वाले हैं वो कुछ अलग है, क्योंकि एक आदमी ने अपनी नाक में 60 मैच स्टिक्स भरी, वो भी सिर्फ और सिर्फ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने के लिए। पीटर वॉन टेंजिन ने हाल ही में एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया, वो भी 60 से भी ज्यादा माचिस की तिलियां अपने नाक में घुसाते हुए। अब आते हैं साइंसदानों की तरफ से किए गए कुछ नए कारनामों पर। तो साइंसदानों ने एक नई डिस्कवरी की है, वो भी साइंस की हिस्ट्री में पहली मर्तबा किसी एस्टेरॉयड के सरफेस पर वाटर के मॉलिक्यूल्स ढूंढते हुए। नासा के स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी यानी कि सोफिया के डेटा के अकॉर्डिंग, रिसर्चर्स ने 4 सिलिकेट से भरे हुए एस्टेरॉयड्स को स्टडी किया, जिनमें से 2 पर उन्हें वाटर मॉलिक्यूल्स मिले और उन दोनों का नाम है आयरिस और मसालिया। अब आते हैं ChatGPT पर। तो दुनिया का सबसे पॉपुलर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल यानी कि ChatGPT वक्त के साथ साथ और भी बेटर होता जा रहा है। OpenAI यानी कि वो कंपनी जिसने ChatGPT को बनाया था, वो ChatGPT में एक नए फीचर को टेस्ट कर रही है जो आपकी कई कई बातों को याद रखेगा, और इससे आपकी जो फ्यूचर की कन्वर्सेशन होगी वो और भी ज्यादा आसान हो जाएंगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया था कि गूगल के AI चैटबॉट यानी कि जेमिनी में एक ऐसा फीचर आया है जो आपकी किसी भी कई गई बात को आने वाले 3 सालों तक अपने पास रखता है, और यही वो सेम फीचर है जो ChatGPT में भी इंट्रोड्यूस होने वाला है। इस नए मेमोरी फीचर की मदद से ChatGPT आपकी कही गई माजी की बातों को याद रखेगा आपका टाइम बचाते हुए। इसका मतलब ये है कि ChatGPT के साथ की गई हर बात आपको बार बार दोहराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और नासा और जापान लॉन्च करने वाले हैं दुनिया की सबसे पहली वुडन सैटेलाइट, वो भी इस साल के समर में, जिसका नाम है लिग्नोसेट। ये स्पेसक्राफ्ट बनाई गई है मैग्नोलिया वुड से, जिसकी मदद से वो स्टेबल रह सकती है और क्रैकिंग से भी रेजिस्टेंस मिलती है। और इलोन मस्क ने ठान ली है कि वो 1 मिलियन यानी कि 10 लाख लोगों को मार्स पर भेजेगा। संडे के दिन इलोन मस्क ने कहा कि वो 1 मिलियन लोगों को मार्स पर भेजना चाहता है। उसने ये एक्सप्लेन किया कि मार्स पर सिविलाइजेशन बनाना इम्पोर्टेंट है इन केस अर्थ पर कुछ हो जाता है। तो मस्क ने अपने बिग रॉकेट के बारे में भी बात की, जिसे कहा जाता है स्टारशिप, जिस पर एक दिन वो लोगों को बिठाकर मार्स पर भेजेगा। उसने ये
ये भी मेंशन किया कि उसकी कंपनी यानी कि SpaceX लोगों को मून पर भेजने के लिए भी काम कर रही है और उसे ये उम्मीद है कि आने वाले 8 सालों के अंदर ही अंदर वो ये सब कुछ कर लेगा। और सिर्फ यही नहीं, इलोन मस्क ने ये भी अनाउंस किया कि उसकी कंपनी यानी न्यूरालिंक ने जो ब्रेन चिप बनाई थी और जिस पहले पेशेंट में वो इम्प्लांट की गई थी वो मुकम्मल तौर पर रिकवर हो गया है। और ज़्यादा हैरानी वाली बात तो ये है कि वो आदमी अपने सोच के ज़रिए एक कंप्यूटर माउस को कंट्रोल कर पा रहा है। तो व्यूवर्स, यही थी इस वीक की खबरें। इनमें से कौन सी न्यूज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद आए मुझे कमेंट में जाकर ज़रूर बताएं। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।